अच्छा देखा वहीं पे तीनों लोगों के पास में, यहाँ तो दिखाना नहीं। नहीं नहीं ये भी आ जाए थोड़ा आप चले, मैं वीडियो बना लूँगा आपकी। ठीक है, नहीं नहीं हम आपको सबको मुझे को बैठना पड़ेगा। हाँ, गायक गायक की तस्वीर आ रही, आप लोगों की यह तस्वीर आ रही है इसमें। बाद में आ जाएगी। आज मंगलवार है, तारीख है 20 जून 2017। आज मंगलवार सुबह खबर आई यहाँ से कि गाय ख़त्म हो गई। महीनों हो गए, 25 दिन हो गए 22 दिन हो गए, जो हो गए, जो SP साहब ने गाय भेजी थी यहाँ पर रात में 1:30 बजे, 3 दिन इसी वार्ड में पड़ी थी। वार्ड माने कमरे में, यहाँ वार्ड क्या है, बिना पानी के कितने कीड़े थे, उसके भी मैंने वीडियो बनाई है। हम धर्मात्मा लोगों से पूछना चाहते हैं, हम ये सरकार से जानना चाहते हैं, हम ये गोरक्षा संगठन से जानना चाहते हैं, हम ये गौशालाओं वालों से जानना चाहते हैं कि अस्पताल के अंदर गाय और कीड़े पड़ के मर गए, कीड़े पड़ गए थे, इतने कीड़े, हमने वीडियो बनाई थी। इस समय हमारी बेटी अंजलि जो है वो बनारस में है, महीनों उसने जो भी आती है, निशा शर्मा आती थी, लोग मिलजुल के गोयन सिंह आते रहे, हजारों रुपए हम लोगों ने लगाए, हजारों रुपए। क्यों लगाया, क्यों, हम जानते हैं बाहर की दवा अच्छी हो, कायदे से इलाज होगा। अगर ये गाय खड़ी होती कैनवेस के ऊपर तो ये बच सकती थी, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई राड, ना कोई टांगने की जगह, यहाँ तक कि यहाँ भर्ती करने की भी जगह नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राण बरेली का है, राण बरेली इतिकार है, राण बरेली को एक जानवर को एडमिट, जो हमारे वजह से लिहाज में डॉक्टर लोग नहीं बोलते हैं, मेरे लिहाज में उन्होंने इसको यहाँ रहने दिया, वरना यहाँ आर्डर ही नहीं है पूरे भाड़ में जाए, ऐसी सरकारी व्यवस्था। कितना इधर लगाइए, वो वहाँ तक अस्पताल, वो वहाँ तक चला गया, सैकड़ों गाड़ियाँ ले वो, और एक गाय को एडमिट करने के लिए, घोड़ा को एडमिट करने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्या फायदा इसी अस्पताल से। अरे एक कमरा बना दो, एक कंपाउंडर रख दो वहाँ पर, कम से कम किसी प्राइवेट ठेका कर दे दो, ठेका प्राइवेट, तो सरकार का चवन्नी में काम हो जाएगा। एक करोड़ों रुपए आपको नहीं बोलना है, करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट फूंक रही है वो करोड़ों की बचत हो जाएगी। योगी जी, हम आपको यही सुझाव दे रहे हैं, आप तो महान नेता हैं, महान हैं आपकी, हम मेरे शब्द नहीं कि हम आपकी किन शब्दों में प्रशंसा करें, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये जितने बड़े मंदिर वाले धर्मात्मा संत महान, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इधर देखा जी, इधर देखा जी, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, इधर देखो, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, कीड़े तो नहीं पड़े थे, नहीं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी माणासन जिसका कमर टूट गया हो, भयंकर घाव हो, ऐसी ऐसी गाय की सेवा से बढ़ के, ऐसी गाय की सेवा से बढ़ के कौन सा मंदिर है हमें कोई बता दो। तानिया मंदिर में ताला लग जाता है, बंद करो मंदिर, आडंबर होता है हमारे समाज में, करोड़ों रुपए संगठन गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए फूके जाते हैं। आज श्याम साहब एक सवाल उठाता है, ए हिंदुस्तान के लोगों, एक आदमी आ जाओ, एक आदमी जो मैंने किया है वही तुम बताओ कि तुमने किया है, तुमने नहीं किया है अपने हाथ से अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम साधु हो, चाहे संत हो, धिक्कार है तुम्हारे संकई की, धिक्कार है सरकारी ऐसी व्यवस्था की। अगर ये कैनवेस के ऊपर टांग दी जाती है, कमर में चोट कहा है जहाँ पर, ये जहाँ ये कमर में, ये धीरे धीरे मालिक सुनिस करके इस प्रश्न से न मरने पाती, हजारों रुपए हम लोगों ने लगाया। तो हमारा एक सवाल है, सुन के बड़ा आपकी घर सुन के बड़ा बुरा लगता होगा, हाँ पूछ आधा गाय तो हाँ इधर आइए। तो कहने का मतलब यह है कि भैया तो जन इनका हटा दो बच्चे, नहीं इनका पैर में लग जाएगा,
करीब आइए इधर। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि सिर्फ एक सवाल है कि अंधविश्वास से उठो क्यों। हर आदमी को एक बार सोचना चाहिए रोज एक बार, क्या कि हमको मरना है और हमारी मौत आ रही है। हर व्यक्ति की मौत, किसी का 50 किलोमीटर दूर है, किसी के 100 पर है, हर सेकंड हर आदमी की मौत आ रही है। और मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे दुनिया वालों, हमारा यही एक सवाल है आपसे। बंद जोड़े पूजा पाठ अंदर मंदिर फलाना ढंग ये क्या है। एक भगवान, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण है। गाय तड़प तड़प के मरे, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, आप पूजा की बात करते हैं, आप अयोध्या की बात करते हैं। कौन है अयोध्या, कौन मथुरा, इनसे बड़ा कौन अयोध्या है, इनसे बड़ी कौन सी मथुरा है, इनसे बड़ा कौन सा पंडित है, कौन है वही आवे हमारे सामने। यही करते करते श्याम साधु बुढ़ा हो गया। अभी भूवन सिंह का फोन आया, हम कहा भैया मैं पेड़ में मर रहा हूँ, कल से हम एक पेड़ लगाने में नानी याद आ जाती है। पत्थर ये निकालो, गिट्टी निकालो, एक पौधा भी मैंने लगाया है, अभी भी लगाया है। उसके पूर्व संध्या पर ये जो बाबा रामदेव ने वो किया है, तो हम बाबा रामदेव से भी कहते हैं कि बाबा जी आप अरबपति आदमी हैं इस समय और धर्मात्मा हैं और इस रंग में है, तो कुछ ऐसे लावारिस इधर दिखाइए, ऐसे लावारिस गाय के लिए बाबा जी कुछ कीजिए। आप तो सक्षम, आप चाहें तो एक हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं। और आपने जो किया है वो भी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अरबों खरबों रुपए बाबा रामदेव ने बचाया है देश का, अरबों खरबों, अरे ऐसे नहीं बचाओगे, अरबों खरबों रुपए बाबा ने बचाया है। तो बाबा जी एक काम ये भी हो जाए, केवल वही गाय और दूध और मट्ठा, उसकी सेवा ही गौ सेवा है। वो इधर दिखाइए, वो गौ सेवा नहीं है। सुबह हम रोटी बांट रहे हैं, रात में रोटी खिला रहे हैं जानवर को, पब्लिक के ऊपर। गाय को रोटी खिलाने का मतलब गाय को रोटी खिलाने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? हम हाथी को इलायची खिला रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। गाय रोटी के लिए नहीं बनी है, गाय भूसे के लिए बनी है। उसको इतना चारा चाहिए कि रोटी दिखा के सड़कों पर जो खिलाते हो, एक नाटक करते हो। बंद करो ये नाटक, कोई नहीं आया, ना कोई संगठन, ना कोई गौशाला, ना पोशाला, ना कोई नेता, ना साधु, ना संत। यही करते करते मैं बुढ़ा हो गया। 50 गाय मेरे घर में गड़ी हैं, कहाँ तक उठवाते। अब तो हम तो बिल्कुल लाचार हो गए। फिर भी भुवन सिंह ने कहा इसको महाराज गड़वा दिया जाए। हम कहा महाराज अब आपसे हो सके तो गड़वा दो, हमारे बस का तो अब नहीं है, हम बुढ़े हो गए, हमारे बस का नहीं। गवाने में मजदूर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जो उठाने वाले हैं वो 300 रुपये देंगे कम से कम, अगर उठा लिए तो। ये भयानक समय चल रहा है। तो भैया बाबा लोगों, भंडारा करने वालों, हिंदुस्तान के हिंदुओं, ये सोचो ये क्या है, यही धर्म है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये हमें बताओ इससे बड़ा कौन सी कथा है, क्यों आप मंदिर जाते हैं, कौन बैठा है मंदिर में, भगवान करते हैं, कभी गाय के पास गए नहीं गए, कभी ऐसा काम किया नहीं किया, तो क्या करे मंदिर में क्या करे गए हो। भगवान जी नची है तुमका देख करके, किसने भिजवाई थी? SP साहब ने, SP साहब ने अगर गाय भिजवाई थी तो उनको इतना पता होना चाहिए कि भैया ये मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर भी जान है, इसको भी खाना पानी कुछ तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अस्पताल का स्टाफ कितना करेगा, अस्पताल का स्टाफ कोई कुछ नहीं करने वाला। आपको मालूम है 3 दिन इसी के अंदर पड़ी, यहाँ 4-5 नहीं, हम 4-5 इतने कीड़े हो, इतने कीड़े, मैंने वीडियो बना के डाली थी। लेकिन चलिए भाई, आधा हाके हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सरकारी व्यवस्था को कहेंगे, हम इनको जो महात्मा लोग हैं, साधु संत हैं, या गांव में रहने वाले जो लोग हैं, अब गांव के लोग परेशान करेंगे, या सब चले जा रही आंदोलन करो, सरकार से मांग करो, जितने किसान हैं सबको जारी दिया जाए सब्सिडी पर, जारी लगा दो। यहाँ कोई सुविधा नहीं, यहाँ भर्ती करने की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, और अंजलि को मैं अभी बाद में भी फोन कर दूंगा। और मंगलवार देखिए, मंगलवार के मंगल को ये घटना घट रही है, जितने काशी अथुरा मथुरा और जितने हैं तुम्हारे अयोध्या और बद्रीनाथ आश्रम वैष्णो देवी विंध्याचल, जितने महामंडलेश्वर हो इसके ऊपर सोच करो। श्याम साधु सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठा के जो गाय काटने वाले हैं ना, उनको वो थप्पड़ मार रहा है, उनके लिए श्याम साधु जूता बन गया है।
आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ओ मैच पाकिस्तान, मैच पाकिस्तान, कौन मैच कौन पाकिस्तान, क्यों खेलते हैं आप ऐसे ऐसे गलीजों के साथ? सर आप खेलते भी हैं और फिर लड़ाई और झगड़ा बुराई केवल ये नहीं आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर हर धर्म हिंदू का धर्म है गाय की सेवा, हम तो गाय गधा घोड़ा कुत्ता सब कुछ है, हर इंसान नहीं, हर हिंदू हिंदू सनातन धर्मी है, हमारे यहाँ हर इंसान क्या, वो इंसान ससुरा कहाँ, क्यों भैया वो इंसान कहाँ है जो मांस खाए, हमने बता दो वो इंसान कहाँ है, वो तो राक्षस का भोजन कर रहा है। सुअर का भोजन आप करेंगे आप सुअर कहलाएंगे, आप चोरी करेंगे आपको चोर, आपको चोर कहा। गाय के नाम पे झगड़ा सब करेंगे, इसको कोई पानी पिलाने वाला एक हिंदू राय नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पाँच छः के अलावा कोई हिंदू आई नहीं राय में इसको पानी पिला सके, बताओ बताओ। तो ये भी तमाम बेचारी हाँ उधर ऊपर उठाइए तमाम इसके लिए दूध ये सब सामान लेके बेचारी आई, हमने इनको अभी फ़ोन से बताया, हमने कहा वो बड़ा उसके लिए बड़ी मुक्ति मिल गई, हमने कहा खैर चलो, और अंजलि को भी जान में जान मिलेगी हमारी बेटी को भाई, उसको भी चिंता है यही है मेरा कहना है, और सुनने के बाद अगर आप सुन रहे हैं आप बह रहे हैं तो जहर खा लो, सल्फास की गोली खा लो, हम यानी हम तुमको पैसा देंगे, मर जाओ कुत्ते कुत्ते की मौत मरो जाके, अगर तुम हिंदू हो के कुछ नहीं करते हो, हिंदू हैं कौन संगठन कौन गौशाला, अस्पताल ला के जानवर को डाल देना ये सेवा है क्या? आपको भी कोई आदमी यहाँ कि आपका एक्सीडेंट हो और हम जाके अस्पताल में छोड़ा मैं बस खत्म, और वहाँ कोई ना डॉक्टर जाए ना कोई कंपाउंडर जाए, आप पड़े रहो अस्पताल में वार्ड में पड़े पड़े सो जाओ, कोई नहीं तुमको पूछेगा, वही हाल तुम्हारी भी होगी, इसलिए आप संगठन वाले हों गौशाला वाले हों भैया लग के काम करो, मन लगा के काम करो, हम तो यही करते करते एक हमने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ कि सनातन धर्म का मतलब ये होता है। लेकिन कोई जगह नहीं अंकल जी, रायबरेली अभी तक कोई नहीं, नहीं ना इसलिए नहीं जगह है बहन जी कि ये जो क्या बोलते हैं आइटम बम ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, लड़ाई तो कोई हिंदू है वो मुस्लिम उसमें आ जाएंगे एक मिनट में आ जाएंगे, अभी कोई गाय एक मुसलमान थप्पड़ मार तो सबके साथ इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ ठीक है ना, अगर इसको पानी पिलाने के लिए रायबरेली में कोई हिंदू जिंदा नहीं, नहीं एकदम इसीलिए आग निकलती है तब कि हम पाँच छः के अलावा दूसरा कोई यहाँ पर नहीं, कोई नहीं। और मेरा ये कहना है योगी जी हम इसके आगे तो बोल रहे हैं, आप पहले जांच करवाइए कौन ये एनिमल लवर हैं, कौन पशु सेवी हैं रियल में, आप पहले हमसे पूछिए, अस्पताल के अगल बगल पूछिए जितने दुकानदार हैं और उनको नामित आप करें, यह संगठन पगठन आप बंद करवाने ना सकता, रियल जो मैं एक गाय आई है नानी याद आ गई महीनों लग गए, इसके पहले घोड़ा रहा महीनों लग गए हजारों रुपये लग गए, हाँ ये वो हमारी बेटी हम लोग मर गई थी उसके पहले गधा आया गधे पहले बंदर उसके पहले कुत्ता एक सीरियल चल रहा है, सब लावारिस नाम है अस्पताल है क्या अस्पताल में यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सुविधा मनवाइए और नहीं हम ही लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, अनशन में तो हम बैठेंगे आंदोलन करेंगे इसके लिए और नीचा दिखाएंगे और सरकार को चैलेंज करेंगे, सरकार पहले जाँच करा दे, आज अगर हम कोई पार्टी बनाना चाहें ना तो लाखों आदमी हम जोड़ सकते हैं, वो ताकत है हमारे अंदर, हम क्या करेंगे ना हमको वोट लेना है ना नोट लेना चाहे हम पार्टी बनाओगे, योगी मोदी आ गए हैं हमारे लिए भगवान आ गए, अब उनसे हम उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि योगी जी राण बरेली को भूल जाइए, यहाँ के लोगों ने गद्दारी किया है जो अब यह है कि आप इसको संभालिए, तो हाँ बस ठीक, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, जय मोदी जय योगी, और अंजलि को भी मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ, जय श्री राम जय श्री राम।